हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लाइव ट्रेड करेंगे XAU USD पे, यानी कि गोल्ड में। दोस्तों, गोल्ड में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है, किस तरीके से हमने यहाँ पे एनालाइज किया है, सब कुछ हम वीडियो के आगे समझने वाले हैं। सबसे पहले ट्रेड को प्लेस करेंगे सेल डायरेक्शन में, 0.15 लॉट साइज के साथ ट्रेड को प्लेस करने वाले हैं हम सेल डायरेक्शन में। और फाइनली फ्रेंड्स, यहां से हमने ट्रेड को प्लेस कर दिया है गोल्ड में सेल डायरेक्शन में। यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे स्टॉप लॉस और टारगेट। देखिए, स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो दोस्तों, यहां पे हम प्रीवियस जो हाई बनाया है गोल्ड ने, इस लेवल का देने वाले हैं स्टॉप लॉस। और यहाँ पे टारगेट की अगर बात करें तो इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम देने वाले हैं टारगेट 1738.737 का यहाँ पे देने वाले हैं टारगेट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का यहाँ से हमने ट्रेड को प्लेस किया है अभी सेल डायरेक्शन में। यहाँ पे किस लॉजिक के साथ ट्रेड को प्लेस किया है सेल डायरेक्शन में, क्या क्या रीजन है, चलिए यहाँ से हम सब कुछ समझ लेते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस हम लगा देते हैं, मॉडिफाई ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस हम देने वाले हैं 1743.03 का यहाँ से स्टॉप लॉस। फाइनली स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने मॉडिफाई कर दिया है। अभी बात करते हैं यहाँ से किस लॉजिक के साथ ट्रेड को प्लेस किया है सेल डायरेक्शन में, क्या रीजन है, किस तरीके से यहाँ पे हमने एनालाइज किया है। इससे पहले दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पे हमने जो एनालाइज किया है, यहाँ पे जो हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो एक रजिस्टेंस एरिया मार्क किया है। देखिए, ये हमने एक रजिस्टेंस एरिया मार्क किया है, और दूसरा यहाँ पे हमारा कंफर्मेशन के लिए एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया है, और फाइनली हमारी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है। अभी जो पैटर्न यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस पैटर्न को मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया है, ताकि आप भी इस तरीके से अच्छे से एनालाइज कर पाए। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जब भी हम ट्रेड करते हैं, कोई परफेक्ट सेटअप हमें देखने को मिलता है, तो हम टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर करते हैं, ताकि आप भी इस तरीके से अच्छे से एनालाइज कर पाए और अपनी ट्रेड को प्लान कर पाए। अभी देखते हैं दोस्तों, यहां से गोल्ड किस तरीके से परफॉर्म करता है। स्टॉप लॉस यहां पे लगा दिया है, प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट के लिए वेट करने वाले हैं। और यहां पे मैंने किस तरीके से और एक्स्ट्रा एनालाइज किया है, किस तरीके से मैंने बड़े वाले टाइम फ्रेम में क्या कंफर्मेशन लिया है, क्या एनालाइज किया है, वीडियो के आगे हम सब कुछ समझने वाले हैं डिटेल में। तो वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए, ताकि इसी तरह की नॉलेजबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखिए बायर बहुत ज्यादा एक्टिव यहाँ पे हो चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी अगर लॉस की बात करें तो $21 का यहाँ पे अभी हमारा इस ट्रेड में लॉस चल रहा है। जैसे कि हमने बात किया था, ये वाला लेवल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, अगेन यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, देखिए हाई टू लो फिबोनाची को जैसे ही हम मार करेंगे तो हम अच्छे से देख पाएंगे, यहाँ पे फिबोनाची का 0.38% का लेवल है। और ये वाला लेवल इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां पे ये देखिए, ये सपोर्ट की तरह नजर आएगा, ये आपको ठीक है, ये सपोर्ट की तरह नजर आएगा। प्रीवियस टाइम अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस टाइम भी काफी अच्छे से सपोर्ट लिया था, तो हो सकता है इस लेवल को यहाँ पे गोल्ड देखिए ब्रेक डाउन करने के बाद इस लेवल का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद बाहर में देखने को मिल सकता है। अभी दोस्तों, यहाँ से अगर हम देखेंगे $21 का अभी लॉस चल रहा है हमारी ट्रेड में, और यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस थोड़े से ऊपर हमारा लगा हुआ है। जिस हिसाब से यहाँ से परफॉर्म कर रहा है XAU USD पेयर, यानी कि गोल्ड, इस हिसाब से मुझे लगता है यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला एक रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए, है ना, तो यहाँ से स्टॉप लॉस हमारा बच सकता है। लेकिन सो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है, और $29 का यहाँ से हमारा हुआ है इस ट्रेड में लॉस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, लॉस एंड प्रॉफिट ये कोई मैटर नहीं रखता है, मैटर रखता है किस सेटअप पे आप ट्रेड कर रहे हैं, किस तरीके से आपने सेटअप को आइडेंटिफाई किया है। अब हम यहाँ से लॉजिक को समझ लेंगे, ट्रेड को प्लेस करने से पहले हमारा क्या लॉजिक था, और ट्रेड को प्लेस करने से पहले किस तरीके से हमने एनालाइज किया था, किस तरीके से कंफर्मेशन के साथ ट्रेड को प्लेस किया था सेल डायरेक्शन में। लेकिन इतने सारे कंफर्मेशन मिलने के बाद भी दोस्तों, यहां पे हमारा हुआ है $29 का लॉस, किस तरीके से एनालाइज किया था, क्या लॉजिक था, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले चलेंगे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में दोस्तों, हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है, यहां पे ध्यान दीजिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, यहां से 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें नजर आ रहा है गोल्ड का डाउन ट्रेंड। देखिए, यहां पे अगर आप देखेंगे तो देखिए लोअर लो, लोअर हाई,
लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लोअर हाई बनने के बाद यहाँ पे संभावना थी लोअर लो बन जाए, क्योंकि ये टोटली गोल्ड का एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे गोल्ड डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से हमने सिंपल ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया सबसे पहले। इसके बाद यहाँ से चार्ट को थोड़ा हम जूम कर लें ताकि हम बेहतर तरीके से यहाँ से समझ पाएं। दोस्तों यहाँ पे हमने इसके बाद एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया था, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेवल को प्रीवियस टाइम देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया था, इसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ये वाला रेजिस्टेंस लिया, तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों और हमने किस तरीके से एनालाइज किया था, ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर हम फिबोनाची को मार करेंगे, देखिए ये वाला हाई टू लो, जैसे हाई टू लो फिबोनाची को मार करेंगे तो यहाँ पे हमें फिबोनाची का एक रिट्रेसमेंट लेवल भी नजर आएगा हमारे रेजिस्टेंस एरिया पे। ये देखिए कौन सा वाला लेवल है, ये फिबोनाची का 0.38% का रिट्रेसमेंट लेवल है, यानी कि यहाँ पे देखिए गोल्ड ने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोअर लो लगाया, इसके बाद लोअर हाई, इसके बाद यहाँ पे लोअर लो लगाने की प्रोबेबिलिटी थी, बट यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल का सपोर्ट लिया और बाय में गया। हो सकता है देखिए अभी इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, हो सकता है अगेन इस लेवल को रिट्रेस करे गोल्ड, फिर से यहाँ से फॉल करे, हो सकता है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से यहाँ से हमारे पास कितने रीजन हो गए दोस्तों, यहाँ पे 3 रीजन्स हो गए। चलिए अब और किस तरीके से मैंने कंफर्मेशन लिया था समझते हैं, छोटे वाले टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये हम आ चुके हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी दोस्तों यहाँ पे हमने बड़े वाले टाइम फ्रेम में यानी 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या देखा, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लेवल को मल्टीपल टाइम गोल्ड ने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखेंगे तो देखिए इस वाले लेवल से रिजेक्शन साफ साफ नजर आ रहा है, यानी जो सेलर्स थे वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, देखिए यहाँ सेलर्स एक्टिव हुए इस लेवल से रेजिस्टेंस लेने के बाद एक्टिव हुए, तो यहाँ पे हमने ट्रेड को प्लेस नहीं किया। इसके बाद हमने कंफर्मेशन के लिए क्या किया, एक यहां पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, ध्यान देना इस ट्रेंड लाइन को, यहां से सपोर्ट लिया और अगेन यहां से सपोर्ट लिया, ये ट्रेंड लाइन काफी स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि यहां से गोल्ड ने सपोर्ट लिया ठीक है, फाइनली यहां से इस लेवल को सपोर्ट लिया, तो इसका मतलब क्या है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने का ट्राई कर रहा है, यहां से थोड़ा सा बुलिशनेस शो किया, इसके बाद फाइनली इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कर दिया। तो क्या ब्रेक डाउन के बाद ही हमने ट्रेड को प्लेस किया, नो दोस्तों, यहां से ब्रेक डाउन के बाद हमने ट्रेड को प्लेस नहीं किया, यहां से हमने फिर से थोड़ा सा वेट किया इस लेवल का, जैसे ब्रेक डाउन हुआ तो थोड़ा हमने वेट किया, ये वाला जो कैंडल बना रेड कैंडल यहां पे, तो हमें यहां से कंफर्म हुआ कि हाँ यहां से सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं, तो यहाँ पे जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिला इसके बाद ट्रेड को प्लेस किया सेल डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जैसे ही बताया था, देखिए मैंने ट्रेड को प्लेस करने के बाद आपको बताया था ये वाला लेवल यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पे बायर से एक्टिव हो सकते हैं, यहाँ से बायर से एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि ये वाला लेवल देखिए फिबोनाची का एक 0.38% का एक रिट्रेसमेंट लेवल है, तो हो सकता है यहाँ से कुछ वायर्स एक्टिव हो जाएं, देखिए यहां से और इस लेवल के आसपास लेके जाएं और यहां से रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर हो सकता है यहां से फॉल वगैरह करें। तो इसी तरीके से हम हमेशा एनालाइज करते हैं और इसी सेटअप पे प्रॉफिट भी कमाते हैं, तो आज हमारा लॉस हुआ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस हमारा लॉस हो गया तो नेक्स्ट डे हम हमारी स्ट्रेटजी बदल देंगे, कोई दूसरे इंडिकेटर या फिर कोई दूसरी स्ट्रेटजी पर ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए यहां पे हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, यहां पे अगर आप देखेंगे ये देखिए लेफ्ट शोल्डर हेड और अभी बना दिया है ये राइट शोल्डर, ठीक है, तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बनता हुआ नजर आ रहा है, हो सकता है अभी यहाँ से इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट करने आए तो यहाँ से हमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी दिख सकती है, लेकिन आज हम ट्रेड नहीं करेंगे, अब नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे, जब हमें कोई परफेक्ट सेटअप परफेक्ट कंफर्मेशन मिलेगा तब हम ट्रेड को प्लेस करेंगे। आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेज वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।